राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को फिर से एक दिन की रिमांड पर लिया है। दरअसल दिनेश गोप को 12 दिनों की पूछताछ के बाद आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए ने कोर्ट से दिनेश गोप से पूछताछ के लिए और एक दिन की रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने एनआईए को इजाजत दे दी कि वह दिनेश गोप से एक और दिन पूछताछ कर सकते हैं। गौरतलब है कि एनआईए ने दिनेश गोप को 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 22 मई को उसे अदालत में पेश किया गया था। उस समय एनआईए ने उसे 8 दिनों की रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए और कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। भारी मात्रा में हथियार व कारतूस बरामद हुए। बता दें कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद से उससे लगातार पूछताछ हो रही है। उसी के निशानदेही पर एनआईए पीएलएफआई के गड़े छुपे हथियार और अन्य साजो सामान पुलिस लगातार बरामद कर रही है। इससे पहले पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप लगभग 8-9 साल पुराने वीआईपी जिप्सी कार को बरामद की थी। इसके अलावा कई बम भी बरामद हो चुके हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।